मुबारक हो, आपका शक बिल्कुल ठीक निकला, ये माँ बनने वाली है। सच? हे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन अब आपको इनका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। हाँ बिल्कुल, फिक्र मत कीजिए, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ये कुछ विटामिंस और टेस्ट हैं, ये आप करवा लें। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। सईदा लेकर चलो। बेटा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि मेरा शामिर वापस आ रहा है, मेरा बच्चा वापस आ जाएगा, मुझे लगता है मेरा शामिर आ रहा। हम किस बंद गली में खड़े हो गए यार आपके? यही तो बेबसी है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं खुद में फैसला करने की हिम्मत नहीं जोड़ पाया। तो सुन के रूही कांप गई। अपने दुश्मन के घर अपनी बेटी को ब्याह दो कैसे, ये जानते हुए भी कि वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उसकी जिंदगी जहन्नम बना देंगे। तभी तो इनकार कर दिया है ना। आपने राहिल को बताया? उसने क्या कहा? तुम जानती हो वो अलीजे से कितनी मोहब्बत करता है। हाँ तो जान छिड़कता है अपनी बहन, इतना बड़ा जुल्म कैसे होने देगा अपनी बहन के साथ? तो मैं क्या करूं, परसों अदालत में पेशी है, एक वकील से मैंने बात की है लेकिन वो तो अभी से नाउमीद है। तो क्या मतलब, मेरा राहिल? क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कितनी खुशी की खबर थी लेकिन किस कदर गम में डूबी हुई। बेटे की मौत का जख्म जैसे और गहरा हो गया हो। क्या किस्मत है उसकी औलाद की, दुनिया में आने से पहले बाप का साया उसके सर से उठ गया। ये सोचता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। मेरा दिल चाहता है कि अपने हाथों से उसके कातिल को गोली मारूं। उनकी तरफ से कोई जवाब आया? आएगा, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। उनके निजात का हर दरवाजा बंद कर दिया है मैंने, बस एक ही दरवाजा खुला है और वो सीधा फांसी तब जाता है। मुझे फिक्र है कि अभी तबरेज और रानिया की शादी नहीं हो सकती। वो तो खैर कुछ माह बाद भी हो सकती है। रानिया की गोद में शामिर का वारिस है, मैं उसे इस घर से नहीं जाने दूंगी।